भारत की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही है। यहाँ उस यात्रा की एक झलक है जिसने प्रियंका चोपड़ा को एक वैश्विक आइकॉन बना दिया। भारतीय सेना के डॉक्टर अशोक चोपड़ा और मधु चोपड़ा के घर जन्मी प्रियंका चोपड़ा का जीवन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। अलग अलग जगहों पर बड़े होने के बाद अभिनेत्री ने 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती। फिर साल 2003 में उन्होंने फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई से बॉलीवुड में अपनी सफर की शुरुआत की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इस फिल्म की वजह से प्रियंका चोपड़ा को एक नई पहचान मिली। ऐतराज, मुझसे शादी करोगी, अंदाज, फैशन और दोस्ताना जैसी फिल्मों से उन्हें बॉलीवुड में एक अलग मकाम हासिल हुआ। उन्होंने फिल्म फैशन में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। ये 2015 में हुआ कि प्रियंका चोपड़ा को क्वांटिको नाम से अपना पहला अंग्रेजी भाषा का शो मिला। इस अमेरिकी टीवी शो ने उन्हें पश्चिम में अपनी प्रमुख पहचान बनाने में मदद की, जिसके बाद उन्होंने बेवॉच फिल्म में ड्वेन जॉनसन के साथ भी अभिनय किया। एक सफल करियर बनाने के बाद बेवॉच अभिनेत्री ने अपने जीवन के प्यार निक जोनस से भी मुलाकात की। मई 2017 में दोनों ने साथ में मैट गाला कारपेट पर शिरकत की। इस इवेंट ने उनके डेटिंग के जीवन के बारे में उड़ने की अफवाहें शुरू कर दी। जनवरी 2022 में दंपति ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी देते हुए मालती मैरी चोपड़ा जोनस के स्वागत की खबर की घोषणा की। निक जोनस और प्रियंका ने सरोगेसी के माध्यम से अपनी बेटी को जन्म दिया।